अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है तो यूजिंग डायरेक्ट और पार्टिसिपेंट और अन ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट डेटा ऑन सोशल बिहेवियर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस इन अ नेचुरल सेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सोशल सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस तो इसका अगला स्टेप ये है कि पहले तो ये है कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको हम नेचुरल सेटिंग के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या देख सकते हैं जब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम उसकी वो नेचुरल सेटिंग जहाँ पे हमारे लिए उस रवैये को होते हुए देखना ऑब्जर्व करना मुमकिन हो हम उसको आइडेंटिफाई करें दैन रिकॉर्डिंग द डेटा यूजिंग द फील्ड नोट्स और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स तो इसको ऑब्ज़र्व करने के प्रोसेस के अंदर जब इसको रिकॉर्ड करना है तो दोनों या तीनों तरह से पॉसिबल है अगर वो डेटा हमें ऑडियो फॉर्म में चाहिए तो हम इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियो फॉर्म में चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अदरवाइज़ अगर ये दोनों प्रोसेस मुमकिन नहीं हैं ड्यू टू द रिसर्च एथिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम उसके हवाले से फील्ड नोट्स ले सकते हैं एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एनालाइज द डेटा यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव मैथड नेक्स्ट स्टेप यह प्रोसेस जो हैं डेटा एनालिसिस के वही हैं कि अगर आपकी की जो हैं वो स्टेटिस्टिकल बेस्ड हैं तो आप क्वानिटेटिव की तरफ जाएंगे और अगर आपकी ऑब्जर्वेशनस जो हैं वो कॉन्टेंट बेस्ड हैं तो फिर आप क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं तो असेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च जैसे बाकी मेथड्स के लिमिटेशंस हैं इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं तो स्टडी लिमिटेशंस को हम असेस करते हैं अपनी उस नेचुरल सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसमें हमारे इस मेथड के हवाले से कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल लिमिटेशंस हैं जिनको नेक्स्ट रिसर्च में या नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हुए अवॉइड किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी पाकिस्तानी माशरे में कंडक्ट करना कर सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जेंडर डाइनामिक्स जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस के ऊपर क्या हैं मिसाल के तौर पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक वर्क के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं और वहाँ पे जो फ़ीमेल टीचर्स हैं उनको हम या उनके रवैये को हम डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ऐसी एजुकेशनल वर्क प्लेस के ऊपर फीमेल टीचर्स के लिए कैसा कंडसव एनवायरनमेंट है या किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें उनको काम करते हुए कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं इस सारे को आप पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द रिसर्च एथिक्स अलाउ यू टू डू दैट